सतना जिले के चित्रकूट में हुए उपचुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी शंकर दयाल त्रिपाठी को 14,133 मतों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी को कुल 66,810 मत मिले, जबकि भाजपा के शंकर दयाल को 52,477 मत मिले। कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कब्जा जमाने के लिए सत्ताधारी दल ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित आधा दर्जन मंत्रियों ने मोर्चा संभाला था। चित्रकूट उपचुनाव के लिए रविवार को की गई मतगणना में अनुमान सही साबित हुए। कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी ने भाजपा के शंकर दयाल त्रिपाठी को 14,133 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना में डाक मत पत्रों की संख्या 0 रही। उसके बाद ईवीएम के मतों की गणना शुरू हुई। पहले चक्र में भाजपा कांग्रेस से 528 मतों से आगे रही, उसके बाद पिछड़ती गई। मतगणना के अंतिम परिणाम आने पर कांग्रेस प्रत्याशी को 14,133 मतों से विजयी घोषित किया। मतों की गणना के दौरान तुर्रा के मतदान केंद्र पर सभी की नजर रही। यहां चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आदिवासी लाल मनगोनर के यहां एक रात आलीशान सुविधाओं के बीच गुजारी थी, लेकिन जाते ही सारी सुविधाएं वापस कर ली गयी। इसके विपरीत परिणाम आए। तुर्रा में कांग्रेस को 413 और भाजपा को 203 मत मिले। चुनाव के दौरान मतदाताओं और सियासी कार्यकर्ताओं के बीच से आ रही जानकारियों में ऐसे ही परिणाम अपेक्षित थे। ज्यादातर विश्लेषकों ने माना था कि परिस्थितियां भाजपा के विपरीत हैं। कांग्रेस का अंधकरण था। भाजपा में शुरुआती दौर से ही हालात कुछ ठीक नहीं थे। इधर मतगणना के 5वें चक्र के बाद से ही माना जाने लगा था कि कांग्रेस बड़ी जीत की ओर है। उसे हर चक्र में बढ़त मिलती गई। जैसे जैसे मतों का अंतर बढ़ता गया, कांग्रेस का उत्साह भी बढ़ा। जबकि कल तक जीत का दावा करने वाले भाजपा नेता मतगणना परिसर से गायब रहे। पार्टी कार्यालय में सन्नाटा पसर गया। कांग्रेसी खेमे में अरसे बाद जबरदस्त उत्साह देखा गया। चित्रकूट में नीलांशु चतुर्वेदी को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जबकि कांग्रेस की हार के कारणों पर सफाई देते नजर आए। हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब रहा कि हार के कारणों का मंथन करेंगे, जनता का फैसला शिरोधार्य है। कांग्रेस ने भी इसे सच्चाई और जनता की जीत बताकर आभार जताया। इस उपचुनाव में निर्दलीय भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी शिकस्त पर किए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि वह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, जिस पर भाजपा ने प्रयास किया पर असफल रही। पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट नहीं है। 2013 की लहर में कांग्रेस भारी बहुमत से जीती थी। हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीट अपने पास रखी है। इसके अलावा समीक्षा। सतना से उत्तम पांडेय की खास रिपोर्ट।